जी एक बंदा रुपये मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील हरिणा नगर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। हमारी भर्ती 2016 में जून मंथ में हुई थी, अभी तक लिस्ट आउट नहीं हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आउट हुई है, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आउट नहीं कर रहे हैं। डीसी साहब कहते हैं एसपी के पास जाओ, एसपी कहते हैं कि डीसी साहब के पास जाओ। ये कुल कितने लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हैं? 1600 लड़का फिट हुआ है फिजिकल में, ऐसे 7600 लड़का ऐसे भर्ती जिन्होंने फॉर्म फिल किया था 7600 लड़का था, उसमें 1600 लड़का फिट हुआ है। तो जब आपने भर्ती देखी थी उसमें कितना बताया गया था, कितने लोगों की जरूरत? 100 कैंडिडेट लगना था इसमें, सिर्फ टोटली 100 कैंडिडेट लगना था, लेकिन अभी तक कोई भी किसी के पास कोई सूचना नहीं है। कोई कहता डीसी के साहब पास के जाओ, कोई कहता एसपी साहब के पास फाइल होगी ये वाली। तो हम डिपकॉम के सर के पास भी गए, उन्होंने डीसी साहब को फ़ोन किया, वो भी कहते हैं कि इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे, अभी उनका भी कोई कुछ पता नहीं है। आप क्या डिमांड करते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जल्द से जल्द आउट की जाए बस, और हम कुछ नहीं चाहते, अन्यथा और प्रोटेस्ट होगा, रोड जाम होगा, क्या फ़ायदा होगा? देखिए आज हमने प्रदर्शन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जैसे कि आपको पता है 2016 में एक एडवर्टाइज निकली एसपीओ की और थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज निकली, और इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें इन्होंने भाग लिया और ये लड़के सेलेक्ट हुए, 1600 लड़का सेलेक्ट हुआ, उसमें ये 100 की लिस्ट निकली थी, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिला में इसकी लिस्ट निकली, और जहाँ पे एक साल से ये लिस्ट नहीं निकली, और ये लड़के हर जगह घूमे, पीएमओ के पास भी गए और डीसी साहब के पास जाते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं, लेकिन उनकी जो फाइल है पता नहीं कहाँ चली गई है। तो हम डीपकॉम साहब के गए, हमसे बात की है, अब हम के विजय कुमार जी से मिलेंगे, डीजीपी साहब से मिलेंगे, और उसके बाद अब हो सके तो हम कोर्ट में जाएंगे, और ये लड़के ये 1600 लड़का है, या तो उनकी लिस्ट निकालें या 1600 का 1600 लड़का ये लगवाएं।